एक ये भैरव बाबा का मंदिर है और एक ठाकुर बाबा का मंदिर है। चलिए अंदर चलते हैं। ये मेरे पीछे मंदिर है जो कि आप देख सकते हैं, तो अभी अंदर जाके आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मान्यता है। चलिए अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स अभी हम रुके हुए अलनिया जो कि एक यहाँ पर छोटा सा कस्बा है और इसमें है ये अलनिया माता का टेंपल जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। काफ़ी गहरी मान्यता यहाँ की है। मैं 2014-15 से यहाँ आता हूँ और उधर सामने आप देख सकते हैं करियर कोर्ट यूनिवर्सिटी, अगर आपको दिख रहा हो जहाँ मैंने कॉलेज अपना कम्प्लीट किया। चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको बताते हैं कि यहाँ की क्या क्या मान्यता है। ये इसका मेन गेट जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ से एंटर होते ही इसका पूरा ये है ये मंदिर, ये है यहाँ का पूरा मंदिर जो कि आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा ये मंदिर है और यहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते हैं, काफ़ी लोगों की यहाँ मान्यता है कि यहाँ आने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अभी हम आप लोगों को अंदर भी लेके जाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर पंडित जी से बात करके कि यहाँ की क्या क्या मान्यता है। चलिए अंदर चलते हैं। ये मेरे पीछे मंदिर है जो कि आप देख सकते हैं, तो अभी अंदर जाके आपको बताते हैं कि यहाँ की क्या क्या मान्यता है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक ये भैरव बाबा का मंदिर है और एक ठाकुर बाबा का मंदिर है जो कि आप देख सकते हैं। मुख्य द्वार के दोनों तरफ दो मंदिर बने हुए हैं, as you can see। चलिए हम पंडित जी से बात करते हैं यहाँ की, यहाँ की क्या मान्यता है और क्या नहीं है वो आपको ये अच्छे तरीके से बता सकते हैं। नमस्कार सर। सर इस मंदिर पर मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर आ रहा हूँ और काफ़ी मेरी इच्छाएं भी यहाँ पर पूरी हुई है, तो एक बार आप हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं यहाँ की क्या मान्यता है और क्या नहीं है। देखिए अलनिया माता मंदिर काफ़ी पुराना है, प्राचीन मंदिर है, करीबन 400-500 साल पुराना मंदिर है। ऐसी मान्यता है मीनाल से जो बूंदी के पास जो मीनाल है जी जी, वहाँ से किसी समय दो साधु इसको माता को छोटी प्रतिमाओं को यहाँ लेकर आए थे। उस समय यहाँ बियावान जंगल था जी, यहाँ उन्होंने विश्राम के लिए स्थापित किया, उसके बाद से यही विराजमान है। काफ़ी पुरानी है, आस्था लेकर विश्वास लेकर आने वाले के लिए हर मुराद माता रानी पूरी करती है। काफ़ी भीड़ रहती है। दोस्तों देखा आपने यहाँ की क्या मान्यता है, अगर आप झालावाड़ से या कोटा से इस विज़िट करते हैं तो एक बार इस मंदिर पर जरूर आइए और यहाँ माता रानी के दरबार में माथा टेक के जरूर जाइए।